यार मेरे जितने भी सर्दियों के कपड़े थे सारे के सारे छोटे हो गए। अब गाइस मेरे को नए लेके आने पड़ेंगे। सारे गाइस मैंने कपड़े कल ही निकाले थे सर्दियों के, और आज देख रहा हूँ गाइस सारे कपड़े छोटे हो चुके हैं। और एक बार गाइस बाहर का वेदर चेक करो भाई, कितना ब्यूटीफुल हो रहा है। और सिंचन भाई कहे तो अरे फ्रिंगल भाई यार मैं तो डेली यहाँ पे आता हूँ और मस्त आग जला के बैठता हूँ। और क्या बात, अब सिंचन तेरे पास कुछ काम तो है नहीं? बात अब मेरे घर के आगे हमेशा आग लगा के बैठ जाएगा भाई। सिंचन ये काम तो तूने काफी मस्त कर रखा है, मेरे को भी सिंचन ठंडी लग रही है। अरे तो जाके कपड़े पहन लो ना। अब सिंचन के बच्चे मेरे सारे कपड़े छोटे हो गए भाई, नहीं लेके आने पड़ेंगे। और तुझे तो पता ही है भाई अलमीरा के अंदर सिंचन कितने सारे चूहे घुस गए थे, उसके बाद तो सिंचन सारे कपड़े मेरे फटी गए थे। अरे हाँ यार सही कह रहे हो, मेरे भी कपड़े फट गए थे। फ्रेंगिल भी आज चले शॉपिंग करने। अब सिंचन तू भूल रहा है आज पता है क्या है? अरे क्या है यार, आज सिंचन भाई क्रिसमस है। अरे हाँ यार क्रिसमस आने वाला था ना। सिंचन भाई आने वाला नहीं, सिंचन आ गया भाई, आज ही क्रिसमस है। अरे भाई यार हैप्पी मैरी क्रिसमस फ्रेंगिल भैया। हाँ सिंचन सेम टू यू। अब बात सबको लिए, फिर तो बात सबको लिए, आज तू तो अपने घर को सजाएगा। हाँ जब आपके बच्चे घर को तो सजाना ही पड़ेगा ना। सिंचन मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, अपने लॉस एंटोस के अंदर जितने भी घर है ना सिंचन, सबसे अच्छा घर भाई हमारा ही दिखना चाहिए। अरे तो जाओ ना फ्रेंगिल भैया डेकोरेशन का सामान लेके आओ। देख सिंचन दिवाली की लाइट तो सिंचन हमारे घर के अंदर ही रखी हुई है, वो तो सिंचन हमको लाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हाँ यार बॉक्स में पैक करके रख देती हमने दिवाली की लाइट। तो ठीक है सिंचन, सबसे पहले सिंचन मेरे को मार्केट जाना होगा, उसके बाद सिंचन मेरे को यार क्रिसमस ट्री लेके आनी होगी, और सिंचन बहुत सारी ट्री लेके आनी होगी वो मेरे को। अरे जा रहे हो क्या फ्रेंगिल भैया? हाँ सिंचन जा रहा हूँ। अब बात सबको लिए, हमारे लिए कुछ गिफ्ट भी ले आइयो। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है भाई? अरे फ्रेंकिल भैया नमस्ते। फ्रेंकिल भैया एक सेकंड, लिटिल सीएम के पापा ये लकड़ियों का क्या काम कर रहे हो आप मेरे घर के आगे? अरे फ्रेंकिल जी मेरी बात सुनो। फ्रेंकिल जी देखो आपके घर के आगे है बहुत सारी खाली जगह, तो मैंने क्या सोचा आपके घर के आगे बहुत सारी लकड़ियां रखवाता हूं और इनको कटवा के ना क्रिसमस ट्री बनवाऊंगा इन लकड़ियों से। अच्छा इस पेड़ की लकड़ी से आप क्रिसमस ट्री बनवाने वाले हो क्या? फिर तो भाई मेरे लिए भी एक क्रिसमस ट्री बना ही दो। अरे फ्रेंकिल भैया क्या बताओ, यहाँ पर जितने भी आपको पेड़ कटे हुए दिखाई दे रहे ना, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 5 क्रिसमस ट्री बन पाएंगी, जिसमें से 3 तो मैं रखूंगा और 2 मेरे दोस्त रखेंगे, तुम्हारे लिए एक भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा भाई मेरे घर के आगे आप अपनी लकड़ियों को कटवा रहे हो और मेरे लिए भाई क्रिसमस ट्री नहीं बनवा सकते? अरे फ्रेंकिल भैया सॉरी, लेकिन कोई दिक्कत थोड़ी ना, आप तो मेरे बेटे के दोस्त हो ना। अरे मैं दोस्त नहीं भाई लिटिल सीएम का, यार सिंचन दोस्त है। चलो कोई नहीं यार कर लो काम, मैं जाता हूँ गाइस मार्केट, और मार्केट से गाइस काफी सारी क्रिसमस ट्री लेके आता हूँ। क्योंकि गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ यार, इस क्रिसमस पे ना गाइस यार मेरा घर सबसे ब्यूटीफुल लगना चाहिए, तो गाइस उसके लिए क्रिसमस ट्री तो भाई काफी सारी लानी पड़ेगी ना। और गाइस काफी टाइम हो गया भाई मैंने सिंचन और चॉप को भाई कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया, आज चलते हैं गाइस सिंचन और चॉप के लिए भाई काफी मस्त गिफ्ट लेके आऊंगा। और गाइस उनको ना रात को ही भाई मैं सरप्राइज दूंगा, बोलूंगा कि भाई सेंटा क्लॉज घर पे आया था और तुम्हारे लिए भाई गिफ्ट देके गया है। उसके बाद तो सिंचन भी काफी खुश होगा और साथ में चॉप भी खुश होगा। लेकिन मेरे को सिंचन और चॉप के लिए क्या शॉपिंग करनी चाहिए यार? गाइस आप लोग मेरे को ना कमेंट करके बताओ एक बार, क्या आखिरकार मेरे को सिंचन और चॉप के लिए क्या क्या गिफ्ट लेना चाहिए? क्योंकि गाइस अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं रहा। सिंचन के लिए रिमोट कंट्रोल कार ले लूं और चॉप के लिए क्या लूं, पेडिग्री ले लूं क्या? मेरे को तो गाइस कोई आइडिया नहीं है। आप लोग गाइस कमेंट करके बताओ मेरे को क्या क्या लेना चाहिए उनके लिए। मेरे को मेरे दोस्तों ने सेंटा क्लॉज बना तो दिया है और उन्होंने बोला है कि लोगों के पास जाऊंगा और उनसे 100 रुपए लूंगा और उनसे बोलूंगा कि तुम्हें गिफ्ट दूंगा, लेकिन कोई मुझे 100 रुपए देगा मेरी बातों पे विश्वास मानेगा? मेरी हालत देखो कैसी बना दी मेरे दोस्तों ने, बोल रहे हो कि मैं सेंटा क्लॉज लग रहा हूँ। मैं लग रहा हूँ क्या सेंटा क्लॉज? वो तो लोग ही बताएंगे, लेकिन किससे मांगू पहले 100 रुपए? चलो इनसे मांग के देखता। भैया 100 रुपए दोगे मैं सेंटा क्लॉज हूँ, रात को आके तुम्हारी विश पूरी करूंगा। अरे पूरी रात से सोया नहीं हूँ, जोकर कहेंगे सेंटा क्लॉज बता रहा अपने आप को चले जाए वरना तेरे गाल पे थप्पड़ बजाऊंगा। थप्पड़ बजाएगा है तू मेरी गाल पे? एक तो मेरे दोस्त ने मेरे को पता नहीं कैसा कॉस्ट्यूम पहना दिया। हाँ भाई मोटे एक बात बता, 100 रुपए देगा मेरे को? अरे क्या हो गया तुम लोगों को? रुक जाओ भैया, अरे क्या हो गया? रुक जाओ, अरे ये सारे के सारे भाग गए मुझसे डर के। मैं सेंटा क्लॉज जैसा लग तो रहा हूँ, ये है ना ग्रीन बनियान वाला चौड़ में चल रहा है। हाँ भाई। अरे क्या है जोकर, मैं अपने बच्चों के लिए सामान लेने जा रहा हूँ, समझ रहा है ना? डरा मत मेरे। अरे तू तो जोकर, भागले भागले भागले। अरे ये तो बड़ा बेवकूफ इंसान था, पहले मुझे जोकर बोला उसके बाद जब मेरी शक्ल देख ली तो उसके बाद डर के भागा। तो गाइस अभी मैंने यार घर में से सारी की सारी लाइट निकलवा ली। गाइस सारा काम यार फ्रेंगिल भैया करते रहते हैं, मैंने सोचा गाइस जब तक फ्रेंगिल भैया यार क्रिसमस ट्री लेने गए ना, जब तक गाइस मैंने घर पे सारा काम करवा देता हूँ। मैंने गाइस एक वर्कर बुलाया है जो कि यार घर में पूरी मस्त सजावट करेगा और साथ के साथ यार घर को मस्त डेकोरेट कर देगा। अरे हाँ बच्चे, डेकोरेशन का सारा सामान तो है ना बॉक्स में, नहीं होगा तो तुझे दुकान से लाना पड़ेगा। अरे अंकल आप टेंशन मत लो यार, दिवाली का सारा सामान है इन बॉक्सों के अंदर, आप फटाफट से खोलो और हमारे घर पे यार चारों तरफ लाइट लगा दो और मस्त डेकोरेट कर दो हमारे घर को। आजा लिटिल सिंगम भाई, इतने तू और मैं चलते हैं फ्रेंगिल भैया के लिए गिफ्ट लेने। गाइस आपको पता है फ्रेंगिल भैया ने यार हमेशा मेरे लिए और चॉप के लिए कुछ ना कुछ लाते रहते हैं, लेकिन गाइस वो ना अपने लिए कभी कुछ लाते नहीं है। तो मैंने सोचा गाइस क्यों ना अपनी गुल्लक को फोड़ा जाए और अपनी गुल्लक में से जितने पैसे निकलेंगे ना उससे यार फ्रेंगिल भैया के लिए मस्त सा यार गिफ्ट खरीदूंगा। लिटिल सिंगम बता यार क्या लेना चाहिए? अब सिंचन मैं क्या कह रहा हूँ भाई, आज भाई क्रिसमस डे, तू ना मेरे को भाई मस्त सी घड़ी गिफ्ट कर दे। अरे पागल यार तेरी गाल पे चांटा लगाऊंगा, तेरे को क्यों गिफ्ट दूं? सबसे पहले इससे लिफ्ट मांगता है। हेलो भैया मुझे लिफ्ट
दे दो, वो क्या है ना आज ना मेरी क्रिसमस है और मैं अपने भैया के लिए। अरे रुक जा यार सिंचन भाई, तेरी तो बेइज्जती होगी भाई, कोई तेरे को लिफ्ट नहीं देने वाला सिंचन, इसलिए मैं कहता हूं एक साइकिल खरीद ले। अरे ये भी बड़ी तेज चले गया, अब लिटिल सिंगम तुझे क्या लगता है हमको कोई लिफ्ट देगा? अब सिंचन ये पक्का भाई तेरे लिए रुकेगा, सिंचन इसको रोक ले। अच्छा अभी रुकता हूं लिटिल सिंगम। अरे बाप रे गिरा दिया इसने तो, अभी रुक बताता हूं तेरे को। अच्छा तो मेरे सिंचन दोस्त को गिरा गया, अभी बताता हूं, रुक जा। अरे बाप रे, अरे मेरे को गिरा दिया, बेइज्जती और करा दी मेरी। अरे मेरा दोस्त बड़ा बेकार ड्राइवर है, मेरे दोस्त की गाड़ी के आगे कभी मत आया करो। अच्छा तो तेरा दोस्त है वो, तो बाहर निकल, अब तेरी गाड़ी हम लेंगे। है तेरा दोस्त अपने दोस्त को बोल दियो हमसे सॉरी मांगे, जब भी दूंगा तेरी गाड़ी, वरना तेरी गाड़ी नहीं दे रहा बेवकूफ कहीं का। आनी तो सिंचन आ भाई, गाड़ी मिल गई हमको। अरे वाह ये हुई ना बात यार, तूने तो मस्त उसकी गाड़ी छीन ली। अब सिंचन कह रहा है कि मेरे दोस्त ने तुम्हें ठोक दिया, इसका मतलब सिंचन जिसने हमको ठोका ना वो उसका दोस्त था। अब देखियो सिंचन वो हमारे पास आएगा अपनी गाड़ी मांगने और हमसे सॉरी भी कहेगा। अरे बहुत बढ़िया यार, ठोक इसकी गाड़ी ठोक, हानी तो इसके दोस्त ने यार हमको ठोका कैसे, उसको भी तो समझ आना चाहिए। बढ़िया सिंचन इसकी गाड़ी को भाई ठोकते हुए चलेंगे, लेकिन ये बता सिंचन लेना क्या है तेरे भैया के लिए? अरे यार कोई मस्त सा गिफ्ट लेना चाहिए हमको फ्रेंकल भैया के लिए, आज क्योंकि क्रिसमस डे है ना, लेकिन यार क्या ले यही मुझे नहीं पता। सिंचन भाई ये बता तेरे पास 2000 रुपए है? अरे हाँ यार 2000 रुपए तो है मेरे पास। तो ठीक है सिंचन हम चलते भाई मिस्ट्री बॉक्स लेने के लिए, उनके अंदर सिंचन भाई कुछ भी निकल सकता है। जैसे हम 2000 का बॉक्स खरीद देंगे ना, 2000 के बॉक्स में भाई 1 लाख की भी चीज निकल सकती है और 2000 के बॉक्स में 100 रुपए की चीज भी निकल सकती है, वो लेने चलते भाई। तो गाइस अभी मैं और लिटिल सिंह हमने यार अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। गाइस हमने यहाँ से मिस्ट्री बॉक्स खरीदेंगे फ्रेंकल भैया के लिए, वो भी बहुत बड़ा, और देखते हैं इसके अंदर क्या निकलेगा। भैया अपने मिस्ट्री बॉक्स खरीदे। अरे बेटा पैसे ही नहीं है, ला तू पैसे दे दे, अंदर जाके खरीद लेंगे हम मिस्ट्री बॉक्स। अरे रहने दे यार मेरे पास खुद 2000 रुपए, इन मोटे अंकल से पूछता हूँ। मोटे अंकल, ओ छोटे बच्चे क्या हाल है तेरा, तुझे पहचाना नहीं मैंने। अरे जब पहचानी नहीं तो यार हाल चाल की पूछ रही हो। अरे लगता है गाइस ये है यार वो मिस्ट्री बॉक्स छोटे छोटे, लेकिन लिटिल सिंह हम ये 2000 के क्या? अब सिंचन वो तो तुझे भाई इस शॉप के ओनर से ही पूछना होगा, आखिरकार छोटे बॉक्स कितने रुपए के और बड़े बॉक्स कितने रुपए के। लगता है गाइस ऊपर है यार इसका शॉप का ओनर। हेलो अंकल। अरे आओ आओ बच्चे आओ आओ, लगता है तुम कोई मिस्ट्री बॉक्स खरीदने आए हो। खरीदो बच्चे कोई सा मिस्ट्री बॉक्स खरीदो। अंकल छोटे वाले कितने के? बच्चे यहाँ पे जितने भी बॉक्स दिख रहे ना सारे 2000 के, चाहे तू छोटा ले चाहे तू बड़ा ले। अरे तो यार मैं तो बड़ा ही लूंगा ना, कोई बेवकूफ भी होगा जो छोटा लेगा। अरे जोकर अंकल एक बात बताओ, बड़ा मिस्ट्री बॉक्स लेना चाहिए छोटा? चलो रहने दो यार आपसे क्या पूछ रहा हूँ, जो मेरे को पसंद आएगा ना वो ही लूंगा। देखो गाइस ये कितने बड़े बड़े मिस्ट्री बॉक्स है, एक काम करता हूँ बड़ा ही खरीद लेता हूँ, क्योंकि गाइस छोटे में तो यार छोटा सामान निकलेगा और बड़े में बड़ा सामान मिलेगा। अब सिंचन पेमेंट तो कर दे भाई इनको, तू ऐसे मिस्ट्री बॉक्स ले जाएगा क्या? अरे अभी लेके जा रहा हूँ लिटिल सिंह के बच्चे, तेरे कान पे ऐसा लगेगा ना घूम जाएगा, क्रिसमस के दिन भी समझ रहा है, मेरे से पिटने की काम मत कर। अब सिंचन भाई पेमेंट कर दे, यही तो बोला अभी तो, अभी मैंने मिस्ट्री बॉक्स लिया ये बता तू। हाँ नहीं तो, और अंकल क्या हाल है? अंकल तो चले गए। गाइस यार मैं समझ नहीं पा रहा कौन सा खरीदूं। अब सिंचन कोई से पे भी हाथ रख वो ले चल। अरे यार रुक जा चूज करने दे, वही लेके जाऊंगा, ऐसे कैसे कोई ले जाऊं। फाइनली गाइस इस मार्केट के अंदर से गाइस मैंने अपनी शॉपिंग तो कर ली, और गाइस सिंचन और शॉप के लिए भी मैंने गिफ्ट ले लिया है, जो कि गाइस गाड़ी के अंदर रखा हुआ है। और गाइस मेरी गाड़ी के ऊपर देखो भाई 3-3 क्रिसमस ट्री रखी हुई है। गाइस आपको पता है इस मार्केट में से मैंने पूरी की पूरी 20 क्रिसमस ट्री ली, और गाइस बाकी 17 ट्री यार ट्रक के अंदर लोड करवा के गाइस मैंने अपने घर पे तो भेज दिए। और गाइस मैंने ट्रक वाले को अपने यार घर का एड्रेस भी बता दिया था, वो गाइस सारी ट्री भाई घर पे पहुंचा देगा। और गाइस ये 3 ट्री भाई उस ट्रक के अंदर आ नहीं पाई, तो मैंने सोचा भाई इसको यार गाड़ी के ऊपर रखते हैं, अब मस्त गाइस घर के लिए निकलते हैं। अभी तो गाइस मेरे को यार घर की यार डेकोरेशन भी करनी है, और गाइस अभी तो मेरे को यार सर्दियों के कपड़े भी खरीदने हैं, या फिर एक काम करता हूं गाइस सर्दियों के कपड़े यार कल खरीद लूंगा, आज वैसे भी गाइस इतनी ठंडी नहीं लग रही क्योंकि गाड़ी के अंदर मैंने हीटर ऑन कर रखा है ना। और गाइस जब रात को मैं घर पे सोऊंगा उस टाइम भी भाई हीटर ऑन करके सो जाऊंगा, कल सोचते हैं भाई कपड़े खरीदने की। तो लेट्स गो गाइस, अभी अपनी गली के अंदर तो पहुंच चुका हूं। अभी गाइस जब मैं सिंचन और चौब को भाई उनका गिफ्ट दिखाऊंगा ना, उसके बाद वो काफी खुश होंगे। एक सेकंड भाई ये डेकोरेशन किसने कर दी भाई मेरे घर पे? और गाइस यहाँ पे भाई क्रिसमस ट्री भी लगी हुई है, इसका मतलब गाइस वो ट्रक वाला क्रिसमस ट्री लेके आ गया। ये कौन है जोकर? अरे जोकर कौन है तू? अरे भैया हमें सेंटा क्लॉज सब है, क्या मजाक कर रहा है तू? सेंटा क्लॉज है और क्या, हमारी ड्रेस नहीं देख रहे भैया, हम सेंटा क्लॉज है, ये हमारी गाड़ी है। अच्छा तेरी गाड़ी तो मस्त है लेकिन तू मस्त नहीं लग रहा भाई। अरे भैया हमको तुम 100 रुपए दो, उसके बाद हम तुम्हारी विश पूरी करेंगे। अबे 100 रुपए मैं तुझे क्यों दूं? क्योंकि भैया हम तुम्हारी रात को आके विश पूरी करेंगे, हमें सेंटा क्लॉज। अबे पागल हो रखा है तू, कहां है सेंटा क्लॉज? दे दो भैया वरना तुम्हें गिरा गिरा के पटक पटक के मारेंगे और तुम्हारे घर को भी पूरा जला देंगे, हमें बहुत खतरनाक इंसान। ये ले बहुत खतरनाक इंसान है। अरे अरे हम सेंटा क्लॉज है, सेंटा क्लॉज को कोई मारता है? अबे तू सेंटा क्लॉज कहां से लगता है, जोकर कहेंगे? पता नहीं गाइस इसने कैसा बिजनेस ओपन करा है, इसकी बात पे तो भाई कोई विश्वास भी नहीं मानेगा, क्योंकि भाई देखना गाइस इसने ड्रेस कैसी पहन रखी है जोकर की। अगर गाइस ये सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहन के आता ना तो शायद मैं कह भी सकता था कि हाँ ये सेंटा क्लॉज है। और सिंचन भाई तूने तो फुल टू फुल भाई डेकोरेशन करवा दी भाई पूरे घर में। और क्या फ्रेंकल भैया यार अभी तुम देखो शॉपिंग करके आए हो, उसके बाद तुमको यार पूरे घर में डेकोरेशन करनी पड़ती है और साथ के साथ फ्रेंकल भैया लाइट लगानी पड़ती, इसलिए मैंने एक वर्कर को बुलाया।
उसने पूरे घर में डेकोरेशन कर दी। अरे वाह सिंचन, घर तो काफी मस्त लग रहा है। अरे अभी देखना फ्रेंगल भाई, जब रात होगी ना जब देखना। हाँ सिंचन, रात में तो घर काफी ब्यूटीफुल लगने वाला है, क्योंकि गाइस रात में भाई सारी लाइटें ऑन हो जाएंगी। सिंचन उसने लाइट भी लगा दी ना। अरे हाँ लाइट वाइट सब लगा दी। बेड पे इतना बड़ा बॉक्स, ये किसका बॉक्स है भाई? ऐसा बॉक्स तो गाइस मैंने आज से पहले अपने घर के अंदर देखा नहीं। अरे फ्रेंगल भाई ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है यार। ये ना फ्रेंगल भाई सरप्राइज है। सरप्राइज सिंचन? अरे हाँ फ्रेंगल भाई तुम्हारे लिए मैंने यार सरप्राइज रखा है। फ्रेंगल भाई ये ना एक मिस्ट्री बॉक्स है, इसे मैं खरीद के लाया हूँ। और फ्रेंगल भाई जब रात होगी ना जब इसको ओपन करेंगे। अच्छा सिंचन मेरे लिए गिफ्ट लाया इसका मतलब तू? अरे गिफ्ट लाया तुम्हारा छोटा लड़का तुम्हारे लिए? अबे छोटा भाई है ये मेरा? हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ छोटा भाई। अबे चुप के बच्चे, तुझे क्या हो गया, कुर्सी के पीछे क्यों बैठा है? अबे बात सबको लिए सिंचन से मैं आगे तंग। बात सबको लिए मेरे घर के आगे हमेशा बात सबको लिए आग जला देता है। और बात सबको लिए मेरे को लगती है गर्मी, मैं चाहता हूँ बात सब ठंड में लेटना। अबे चुप के बच्चे, अच्छी तो बात है यार तेरे घर के आगे मस्त यार आग लगा रखी है, तेरे को गर्माई मिलती रहेगी भाई ठंड में। तो गाइस अभी पूरे 4 घंटे बीत चुके हैं और गाइस अभी रात भी हो चुकी है। और एक बार चेक करो गाइस हमारा घर लग कैसा रहा है भाई क्रिसमस के दिन। सिंचन भाई घर की सजावट तो तूने काफी मस्त करवा दी। और क्या फ्रेंगल भैया, इन अंकल से मैंने बोलता यार घर हमारा एक नंबर दिखना चाहिए पूरे लॉस एंटोस में। हाँ सिंचन ऐसा घर तो भाई पूरे लॉस एंटोस में भाई किसी ने भी नहीं सजवाया होगा। सबसे बढ़िया घर तो सिंचन मेरे को अपना ही लग रहा है। अरे अभी चलेंगे फ्रेंगल भैया गली में और लोगों के घर भी देख के आएंगे आखिरकार उनका घर दिख कैसा रहा है। और सिंचन ये वाली जो डिस्को लाइट है ना भाई, ये जो सामने थी वो तो सिंचन और ही ब्यूटीफुल लग रही है। और गाइस मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखा के आता हूँ आखिरकार भाई हमारा घर बाहर से लग कैसा रहा है। अबे बात सबको लिए मेरे को तो बात सब अपना घर काफी मस्ती लग रहा है। अबे चौप ये तेरा घर नहीं भाई, मेरा और सिंचन का भी है। और ये चेक करो गाइस हमारा घर भाई बाहर से कुछ ऐसा लग रहा है। गाइस अगर हमारे पास बम पटाखे होते ना तो और ही मजा आता। अरे एक बार ड्रोन भी दिखाओ ना फ्रेंगल भैया। हाँ सिंचन ड्रोन उड़वाते भाई एक बार, लेट्स गो सिंचन भाई। ड्रोन अभी हवा में तो जा चुका है। और गाइस ये देखो बाहर से हमारा घर कुछ ऐसा लग रहा है। अरे सामने जाओ सामने। हाँ सिंचन सामने की तरफ भी दिखाता हूँ। और सिंचन लॉस सैंटोस की बिल्डिंग भी दिखाएंगे। ये देखो गाइस अपना घर कुछ ऐसा लग रहा है। अरे ये जो फ्रेंगल भैया पूरे में स्नो पड़ रखी है ना, ये तो और ही मस्त लग रही है। और फ्रेंगल भैया जो पीछे की तरफ बिल्डिंग है इनमें तो हमेशा ही लाइट जलती रहती है, क्योंकि इनमें यार अमीर लोग रहते हैं। चलो टाइम हो चुका है बच्चों को गिफ्ट देने का। कितने सालों से इंतजार था मुझको आज के दिन का। आज के दिन मुझे बच्चों को गिफ्ट देने में बहुत मजा आता है। और मेरे हिरन भी तैयार है और मेरा उड़न खटोला भी तैयार है। अब अपने उड़न खटोले में मैं बैठता हूँ, उसके बाद उड़ते उड़ते जाऊंगा और देखता हूँ किसने सबसे अच्छा घर सजा रखा है। जिसने भी अच्छी डेकोरेशन कर रखी होगी आज मैं उसको काफी सारे गिफ्ट दूंगा। मैंने बहुत सारे गिफ्ट पीछे की तरफ रख तो रखे है। हिरनो थोड़ी और स्पीड चढ़ो ताकि हम जल्दी पहुंच सके लोगों के घर पे। वाओ पूरा लॉस एंटोस चमक रहा है आज तो। लेकिन सबसे अच्छा घर मेरे को दिखाई देगा गलियों में, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ गलियों में। और जब बच्चे सो गए होंगे तो उसके बाद फिर उनकी मैं विषय पूरी करूंगा। चलो नीचे की तरफ चलते हैं। अरे वाह ये घर किसका है? ये घर तो मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा है। इस गली में सबसे अच्छा घर इसका ही मुझे नजर आ रहा है। चारों तरफ लाइट ही लाइट दिखाई दे रही है और काफी सारी क्रिसमस ट्री भी है। तो मेरे हिरनो यहीं पे ही लैंड कर लो अपने आप को। बहुत अच्छे समझदार हो तुम तो। चलो नीचे चलते हैं। बहुत अच्छे ये लो लैंड कर गए इसके घर में, लेकिन लग गई। चलो अच्छी बात है सब सो रहे होंगे। वाह वाह यहाँ पे आके तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ये मेरा ही घर है। बहुत अच्छे बहुत खुश हुआ। ये कौन है चेले? अरे सेंटा क्लॉस लगते है आप इस घर के मालिक हो और आपने ये सेंटा क्लॉस की ड्रेस पहन ली है। अरे नहीं मेरे चेले गलतफहमी में है, मैं रियल वाला सेंटा क्लॉस हूँ। अरे बॉस कैसी मजाक कर रहे हो, आपके घर को मैंने ही डेकोरेट करा है बॉस। इसका मतलब तू इस घर का मालिक नहीं है? इस घर का मालिक कौन है ये बता। अरे आप सेंटा क्लॉस हो क्या रियल के? अरे लगता है उससे बात करना बेकार है, वो तो मुझे पहचान ही नहीं रहा। चलो दूसरे घर चलते हैं। अरे ये लोग कौन है? अरे फिंगल भाई ये कौन है यार, ये तो सेंटा क्लॉस है। अबे सिंचन ये रियल का सेंटा क्लॉस है या फिर इसने भाई ड्रेस पहन रखी है? बच्चो मैं रियल का सेंटा क्लॉस हूँ, तुम अभी तक सोए नहीं? अरे अंकल अभी हम सोए नहीं यार, मैंने एक मिस्ट्री बॉक्स खरीद के लाया था, अभी हमने इसको ओपन कर रहे हैं। अरे हाँ सिंचन मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ, इसमें से क्या निकलेगा? रुको मैं खोल देता हूँ। अबरा डबरा। अबे सिंचन ये क्या हुआ भाई, बॉक्स ओपन कैसे हो गया? अरे इसका मतलब यार ये ना यार रियल के सेंटा क्लॉस है। हाँ बच्चे मैं रियल का सेंटा क्लॉस हूँ और जो तुम बॉक्स खरीद के लाए थे उस बॉक्स को मैंने अपनी चुटकी से एकदम से ओपन कर दिया और उसके अंदर ये निकला खिलौना। अरे बाबरे मेरे 2000 रुपए तो डूब गई, ये कैसे खिलौना है पागल जैसा? हाँ तो तू मुझे सेंटा क्लॉस नहीं मानता? अरे सेंटा क्लॉस कहाँ जा रहे हो, मुझे कुछ देके तो जाओ। अरे ये लगता है मुझसे कुछ मांग रहा है। बता बच्चे क्या दूं मैं तुझे, क्या विश पूरी करूं? चल सिंचन भाई जल्दी से नीचे चलते हैं, अपने घर पे तो सिंचन सेंटा क्लॉस आ गया। एक सेकंड ये क्या चीज है भाई, ये तो हिरन है। ये सब तो गाइस मैंने यार मूवी में देखा है। और सिंचन आज तो भाई अपने घर पे रियल में सेंटा क्लॉस आ गया। अरे बस तुम यहाँ पे हो लेकिन फिर वो कौन है? अबे वो रियल का सेंटा क्लॉस है पागल। हाँ तो
बच्चों, मैं अपने उड़न खटोले को नीचे ले आया हूँ। इसमें से चूज करो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। इसमें काफी सारे गिफ्ट रखे हुए हैं। अरे हाँ गाइस, उड़न खटोले में तो काफी गिफ्ट है, लेकिन भाई मैं आपसे कुछ गिफ्ट मांगना चाहूंगा, वो दे सकते हो क्या? हाँ जरूर, बता बच्चे तुझे क्या चाहिए। जो भी तू बताएगा वो मैं तुझे जरूर दूंगा, ये मेरा तुझसे वादा है। अरे वाह यार, मेरे को मांगना क्या चाहिए गाइस, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये लो भाई, गिर और गया गाइस एक्साइटमेंट के चक्कर में। भाई एक काम करो, आपने मेरे को काफी सारी सुपर कार दे दो और साथ में मेरे को काफी सारा पैसा और गोल्ड दे दो। वाह वाह वाह, बहुत सारी चीजें मांगी, तो ठीक है चुटकी बजा के तेरी सारी विश पूरी कर दी। अपने फर्स्ट फ्लोर पे जाके चेक कर ले, जो तूने मुझसे मांगा है सब तुझे फर्स्ट फ्लोर पे मिल जाएगा। अच्छा ऐसी बात है क्या, लेट्स गो गाइस, निकलते अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। चेक करते गाइस वहाँ पे मैंने जो कुछ मांगा है वो मुझे मिलता है या फिर नहीं मिलता। मैंने काफी सारा पैसा गोल्ड और साथ में भाई सुपर कार भी मांगी है। ये चेक करो गाइस, यहाँ पे भाई कितना सारा गोल्ड है क्रेटों के अंदर। और साथ में गाइस यहाँ पर नीचे की तरफ भाई मेरे को काफी सारा पैसा भी दिखाई दे रहा है। अरे फेंगिल बे तुम कहाँ हो? अबे सिंचन मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे हूँ भाई, यहाँ पर चेक कर कितना सारा पैसा है। बढ़िया गाइस, सेंटा क्लॉज ने तो मेरे को भाई अमीर बना दिया। अरे फेंगिल बे यार, ये सेंटा क्लॉज ने दिया है सब कुछ? हाँ सिंचन भाई, जाके तू भी सिंचन अपनी विश पूरी करवा ले सेंटा क्लॉज से, मेरे को तो काफी कुछ मिल गया आज। अरे वह ऐसी बात है तो यार जल्दी जाता हूँ, कहीं यार ये सेंटा क्लॉज चले ना जाए। वाह यार, हमारे घर पे सेंटा क्लॉज आया, अपने दोस्तों को बताऊंगा कल स्कूल जाके। हेलो अंकल। अरे बच्चे तुझे भी कुछ विश मांगनी है या फिर मेरे जो उड़न खटोले के अंदर गिफ्ट पड़े उनमें से कोई गिफ्ट लेना चाहता है? अरे अंकल यार, कौन कौन से गिफ्ट है आपके उड़न खटोले में? एक काम करो यार, अपना मैं जो मांगू वो दे दो। हाँ तो बच्चे मांग, अभी अभी मैंने तेरे भैया को गिफ्ट दिया है। वाह ये हिरन कितना मस्त लग रहा है, भैया हिरन मांग लो क्या? बच्चे हिरन मांगेगा, जो तू मांगेगा मैं तुझे वो दूंगा, मांग ले भले तू मेरे हिरन मांग ले। तो सेंटा क्लॉज भैया मैं तुमसे जो मांगूंगा तुम ना वो देना, मेरे को यार तुम्हारे हिरन नहीं चाहिए, क्योंकि यार अगर मैंने तुम्हारे हिरन मांग लिए तो तुम जाओगे किसी, यही हिरन तो यार तुमको हवा में उड़ाते हैं। मेरे को यार बहुत सारे टॉय चाहिए और साथ में रिमोट कंट्रोल कार भी चाहिए और साथ में यार मेरे को ना बहुत सारे पैसे भी चाहिए। अच्छा तुझे पैसे भी चाहिए क्या? पैसों का क्या लेगा तू? अरे बाबरे ठंडे पानी में गिर गई यार रात में, अरे मेरे को बहुत ठंड लग रही है। अरे चिंता न कर, अभी यहाँ पे आग जला देता हूँ चुटकी बजा के। अरे नहीं पहले मुझे गिफ्ट दो जो जो मैंने मांगा। ठीक है बच्चे, अबरा डबरा चुटकी बजा के। अरे वाह पीछे इतने सारे बॉक्स, वो भी बड़े बड़े बॉक्स। देख बच्चे इन बॉक्सों के अंदर वो सब कुछ निकलेगा जो जो तूने मुझसे मांगा है। अरे ये तो अच्छी बात है, लेकिन प्लीज भैया मैंने तुमसे एक और चीज मांगना चाहता हूँ, वो भी विश पूरी कर दो। अच्छा पहले तू अपने बॉक्स को ओपन करके तो देख ले इन बॉक्सों के अंदर आखिरकार है क्या क्या चीज। अरे अंकल जो मैं आपसे मांगूंगा वो दे दो यार, ये जितने भी लोग मेरे प्यारे वाले दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, इनका भी यार एक एक विश पूरी कर दो। ठीक है बच्चे, अगर ये लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इनको फिर जो कुछ चाहिए ये कमेंट में वो लिख दे, इनकी विश मैं जरूर पूरी करूंगा। गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और आपको जो चाहिए ना कमेंट में लिख दो, वो आपको जरूर मिलेगा। तो गाइस मैं अपने टेरेस पे तो आ चुका हूँ और यहाँ पर चेक करो गाइस, सच में भाई काफी सारी सुपर कार आ चुकी है। गाइस मैंने इस बंदे से बोला था, मतलब गाइस सेंटा क्लॉज से बोला था कि भाई मेरे को काफी सारी सुपर कार भी चाहिए। अभी गाइस मैंने अपने फर्स्ट फ्लोर पे भाई चारों तरफ ढूंढ लिया, लेकिन मेरे को कहीं भी सुपर कार नजर नहीं आई, इसलिए गाइस मैंने सोचा क्यों ना टेरेस पे जाना चाहिए। और जैसे भाई मैं टेरेस पे आया, मेरे को यहाँ पे गाइस सच में काफी सारी सुपर कार देखने को मिली है। आज तो गाइस सच में मजा ही आ गया, आज तो गाइस हमारे घर सेंटा क्लॉज आया और भाई मेरी सारी विश पूरी कर दी और साथ में भाई सिंचन की भी विश पूरी कर दी। और गाइस सिंचन ने भाई आपके लिए भी कुछ मांगा है सेंटा क्लॉज से, आप लोगों को गाइस जो कुछ है ना आप लोग गाइस वो कमेंट में लिख दो, गाइस सेंटा क्लॉज आपकी वो विश भी यार पूरी कर देगा। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस, फ्रैंकल सिंचन आपके भाई तो यार, फटाफट गाइस अभी के भी वीडियो को लाइक कर दो और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और गाइस यार बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, जैसे गाइस सुबह हमारी वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और गाइस यार फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ना आपको जो कुछ विश चाहिए ना वो कमेंट में जरूर लिखना, ताकि गाइस सेंटा क्लॉज आपकी भी विश पूरी कर सके। मैंने गाइस सेंटा क्लॉज से यार आपके लिए भी विश मांगी थी ना। मिलता है गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस प्यारा वाला बाय।